और आज लाइव ओपिनियन सीधे जनता के बीच से अयोध्या नगरी से। तो आज जनता का ओपिनियन लेने के लिए हम आए हैं। ये बताइए कि अयोध्या में जो काम हो रहा है वो कैसा है? बहुत ही सुंदर चल रहा है। हाँ। योगी जी की अयोध्या धाम में विशेष करके। हाँ। खैर परमात्मा की कृपा तो है ही, लेकिन संसार के रूप से देखा जाए तो योगी जी की बड़ी कृपा है। योगी जी जितना काम कर रहे हैं अयोध्या के लिए, अयोध्या बदली है पहले से? जी, पहले से बहुत चेंजिंग हुए हैं। और अभी पहले यहाँ पहले बहुत थोड़ा दिक्कत थी, अब जाके ठीक है पहले से। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि उनके टाइम पे काम हुआ था, उन्होंने काम शुरू करवाया था। ऐसा नहीं, तो नहीं कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी योगी सरकार है, ये काम कर रही, जो काम कर रही बहुत अच्छा है अयोध्या के लिए, क्योंकि अभी तक ऐसा दीपोत्सव मनाया नहीं जा रहा था अयोध्या में जब से योगी जी हैं, तब से दीपोत्सव का। दीपोत्सव से अयोध्या की महिमा कितनी बड़ी है? अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है महिमा, इतनी ज्यादा कि हम लोग उसका गुणगान नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जो लगातार बात हो रही है कि निवेश हो रहा है यहाँ पर, अयोध्या के लिए प्लान है, करोड़ों के पैकेज यहाँ के लिए दिए जा रहे हैं, अयोध्या वासियों की जिंदगी सुधर रही है? जी जी बिल्कुल। क्या क्या परिवर्तन आया? जैसे कि देखा जाए तो मुख्य रूप से हम लोग अयोध्या के लिए जो होना चाहिए, प्रभु राम का दरबार है तो उसमें जो होना चाहिए बहुत अच्छा हो रहा है काम। राम की पैड़ी जैसे कि आप लोग देखे होंगे तो इसके 7-8 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब 2-4 सालों से इसकी घाटों की सफाई और वो सब जो आने से इंपैक्ट्स के आने से जो है अब लोगों को व्यवसाय में जो है काफी वृद्धि हुई है। जो लोग अपने अपनी रोजी रोटी अपने जीव को उपार्जन करने के लिए ठेला लगाते थे उनके काम में भी विकास हुआ है, ताकि इस पैकेज से जो है अयोध्या के साथ साथ उन लोगों का भी जीव को। इस बार के चुनाव में अयोध्या तय करेगी कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल जीता। ऐसा क्यों लगता है? जी नहीं, काम लग रहा है ना पहले। जी काम अच्छा हुआ है। कि पहले क्या रहता था कि बंदरों के लिए बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं रहती थी, कभी बिजली से जा करके कभी कुछ हो जा रहा है, उसी प्रकार से बिजली भी यहाँ से अंडरग्राउंड पूरा कर दिया गया है। दीपोत्सव होने की वजह से कितना बदलाव आया है? दीपोत्सव होने के बहुत बदलाव आया है, पहले से बहुत अच्छी लग रही है अयोध्या सब लोग देखने में। हाँ ठीक है, पहले से यही लग रहा है कि योगी जी को फिर से बनाया जाए। पहले से ज्यादा लोग आते हैं क्या अयोध्या? बहुत बड़े हैं जी, देशों के साथ साथ विदेशों में इंडोनेशिया वगैरह यहाँ पे जो है, इंडोनेशिया कंट्री के लोग भी काफी मात्रा में यहाँ आ रहे हैं, उनकी रामलीलाएं भी यहाँ हो रही है। मतलब कि भारत के साथ साथ में विदेशों में ही इसकी जो है महिमा बढ़ रही है, इसकी चर्चा बढ़ रही है। इस बार चुनाव में अयोध्या क्या सेंटर स्टेज पर होगी राम मंदिर? बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पे योगी जी द्वारा कराए गए जो भी निर्माण कार्य है और जो भी यहाँ कराया जा रहा है उसमें डेफिनेटली पता चल रहा है कि अयोध्या पहले की अपेक्षा, जो 10 साल पहले थी उसकी अपेक्षा आज बहुत ऊपर उठ चुकी है। चलिए, मेन आधार होगा। ये तो बात हुई धर्म कर्म की, अयोध्या की महानता की, लेकिन इससे अलग युवाओं के क्या मुद्दे हैं? बहुत अच्छे हैं। युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को जो चाहिए वो वैकेंसी, युवाओं को केवल और केवल वैकेंसी चाहिए। योगी जी से मांगेंगे रोज? हाँ, और जरूर मांगेंगे। केवल एक ही कमी, अगर योगी देर नहीं हो गई मांगने में, 4 साल बीत चुके, काफी हम लोगों ने संघर्ष किया, इन्होंने दिया, इन्होंने चांसेस दिए। हाँ। अभी पेट का भी हाल ही में रिजल्ट आया, 4-6 दिन पहले रिजल्ट आया, इन्होंने अच्छा स्कोरिंग भी हुई उसमें, लेकिन बट अगर वो जो वैकेंसी सामने दिख रही है अगर उनको सामने लाया जाएगा तो इससे जो है। एक चीज मुझे और बताइए कि हम जब यहाँ पर रामनगरी में मौजूद है, धर्म की बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है, राष्ट्र प्रेम की बात हो रही है, लेकिन इन सबसे अलग आप लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे? आप लोगों के मुद्दे क्या है वोट करने के लिए? देखिए, बेसिकली मैं अयोध्या से नहीं हूँ तो इस मामले में आई थिंक अयोध्यावासी जो लोग हैं वो ज्यादा अच्छा बता। यूपी से हैं? या डेफिनेटली बिलोंग टू आगरा। एक्चुअली मैं वोट सिर्फ अयोध्या को नहीं करना, उत्तर प्रदेश को करना। डेफिनेटली एक्चुअली मैं वोटिंग के लिए मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, पॉलिटिकल मामलों में थोड़ा सा। अच्छा, युवा जो है पॉलिटिकल मामलों पर कमेंट नहीं करा, लेकिन कौन मतलब आप लोगों के लिए महंगाई, रोजगार, इसके अलावा विकास, ये सब मुद्दे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, महिलाओं की सुरक्षा तो मुझे लगता है ये मुद्दा है वोट देंगे। तो मुझे आपको लगता है पॉलिटिशियंस को इस बारे में और सोचना चाहिए और कम से कम और गंभीरता से कुछ सुधार तो हुआ है पहले से, लेकिन मतलब काफी सुधार हुआ है। जैसे कि अभी हम लोग अगर कहीं रात में लेट नाइट भी निकल रहे हैं तो उतना डर नहीं है पहले के। महिलाओं के लिए काफी मतलब सुरक्षा में वो आया, लोगों का जो रहता था लेट आवास में नहीं निकल पाते थे, योगी जी के आने से काफी मतलब वो तो सतर्कता रही है। चलिए, ये जनता का ओपिनियन है, लेकिन जनता की अदालत में फैसला किसके पक्ष में जाएगा उसके लिए इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।